सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब जो आने वाले जितने भी मिनट्स हैं या जो भी टाइम है इस वीडियो का, बिल्कुल ध्यान से फ्रेश माइंड से बैठ जाइएगा कॉपी पेन लेकर, क्योंकि सर्कल के बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलने वाले हैं जो कि मोस्ट वांटेड है और जो हर बार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी चांसेस है। तो हम 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे करेंगे सर्कल के जो कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, यानी वीडियो के बाद आपके सारे इस सर्कल के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो करें स्टार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन से बात करें तो इस क्वेश्चन को देखें तो ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा डरते हैं इस क्वेश्चन को देख के, भाई इस क्वेश्चन में है क्या। और इसको इजी वे में करेंगे, दो तीन मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट बिल्कुल इजी वे में ट्राई करूंगा आपको समझाओ। देखो क्या कह रहा है कि टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू, टीपी एंड टी क्यू ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर है सर्कल का ओ, ये सेंटर दिया हुआ है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, यहां से एक्सटर्नल पॉइंट टी से प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू दिस वन दिस एंगल, यानी एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू टू ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ओ पी और ये यहां पर क्या है क्यू, यानी ये वाला, इसको नंबरिंग दे देंगे ताकि थोड़ा और इजी हो जाए। यानी अगर मैं बात करूं, इसको मैंने वन और इसको मैंने लेट कर लिया एंगल टू, इसको एंगल थ्री और इसको भी आप लेट कर सकते हो एंगल फोर। यानी मुझे प्रूव क्या करना है, अगर मैं न्यूमेरिकल लैंग्वेज में देखूं एंगल थ्री इज इक्वल टू टू ऑफ एंगल वन, यानी जो एंगल थ्री है मेरा वो एंगल वन का डबल है। तो छोटे छोटे से दो कंसेप्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पे क्या लगेंगे। पहले मैं बात करता हूं किसकी, ट्रायंगल पी टी क्यू की, यहां पर मैंने ली ट्रायंगल पी टी क्यू। अब देखो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है टी, अब यहां से जो दोनों टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से उनकी लेंथ इक्वल होगी, यानी व्हाट वी कैन से दैट कि टीपी इज इक्वल टू, मार्कर थोड़ा सा हम विड्थ कम कर लेते हैं, इज इक्वल टू टी क्यू, ये दोनों इक्वल ले सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है सो देयर फॉर दिस ट्रायंगल इज आइसोसेल्स ट्रायंगल, मींस अ ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल, इज इट क्लियर। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो ये आइसोसेल्स बोल सकते हैं, तो यहां से क्या होगा कि एंगल टू और एंगल फोर इक्वल हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर। रीजन क्या है मेरे पास कि टीपी और टी क्यू इक्वल है। और थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हो क्या कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल इन लेंथ, लिख सकते हैं क्योंकि ये कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, अब समझाने में आपको बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं, जब आप समझ जाओगे तो बड़े इजीली करोगे। एक ये ट्रायंगल होगी, अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी लूंगा, ये वाली। इसके अगर ट्रायंगल की बात करें, तीनों एंगल है, तीन एंगल, एंगल टू थ्री और फोर, तीनों का सम कितना है 180 डिग्री। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, कि एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। क्लियर है, मैंने कौन कौन से ये लिया, ये टू थ्री और फोर। अब यहां पर देखो जब ये आइसोसेल्स है तो टू और फोर क्या होंगे, बराबर, ये आइसोसेल्स है तो इनके आमने सामने वाले जो एंगल्स होंगे अपोजिट एंगल वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यानी टू और फोर को मैं इक्वल लिख सकता हूं, यानी एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर के प्लेस पे भी एंगल टू लिख सकता हूं इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर थोड़ी और कम करते हैं, अब यहां से देखो एंगल थ्री प्लस एंगल टू और एंगल टू, जैसे एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो गया, ऐसे ही एंगल टू प्लस एंगल टू, यानी कितना, टू ऑफ एंगल टू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लेट कर लो, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सो 50% क्वेश्चन हैव डन, 50% हो चुका है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करना है आपको, अब बात करते हैं हम, यहां पर देखो जो ये मेरी रेडियस है और ये टेंजेंट है,
तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री पे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का, समझ आ रही है बात। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो यहां पर वही कंसेप्ट लगाएंगे तो एंगल 1+2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, देयरफॉर एंगल 1 90 डिग्री, मान सकते हैं, कोई डाउट है नहीं। थोड़ा सा और आसान बनाते हैं इसको, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ एंगल 1+2 ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं सेकंड, क्लियर। अब देखो ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल रख सकता हूं, बस क्वेश्चन हो गया। तो एंगल 3 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो भाई ये चीज भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, यानी दोनों को आपस में इक्वल रख सकते हैं। अब मान लो मैं हूं और आप चिंटू जो देख रहे हैं, आप मैं और चिंटू आप दोनों देख रहे हैं, हम दोनों की एज किसी एक पर्सन की एज के बराबर है, कोई एक पर्सन है जैसे मिंटू है, मिंटू के बराबर है, हम दोनों की एज है, मिंटू के बराबर है, हम कह रहे हैं कि हम दोनों की एज इक्वल नहीं है, हम कह रहे हैं कि हम दोनों की एज मिंटू की एज के बराबर है, तो मतलब यार हम तीनों की एज बराबर होगी, तो हम दोनों की भी तो बराबर हुई। तो भाई ये फर्स्ट भी 180 है, सेकंड भी, दोनों को एक बार रखेंगे, एंगल 3+ इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ एंगल 1+2 ऑफ एंगल 2, यहां से 2 ऑफ एंगल 2 कट जाएगा, तो एंगल 3 आ गया मेरे पास 2 ऑफ एंगल 1, हैंस प्रूव्ड, क्योंकि आप देख सकते हैं एंगल 3 मैंने ये माना था पीटी क्या हो और एंगल 1 था मेरा ओपी क्या हो, तो मेरे पास यही आया, देखो यही प्रूव करना था, ये आ गया। ये सबसे आसान मेथड है, सबसे इजी और लॉजिकल मेथड है ये। तो ये था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरा तो मत ही लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। आगे चलते हैं, आगे बड़ा मजा आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कौन सा करना, ये हो गया एक, हाँ ये वाला, हाँ ये तो कर लिया हमने, और कौन सा रहेगा भाई सर्कल के, हाँ एक ये वाला है, इसको देखते हैं, उससे पहले इसको देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आता है, अब की बार भी सैंपल पेपर में आया हुआ है, स्टैंडर्ड और बेसिक में। पहले मैं बड़ा उदास था, निराश था, कुछ ही लोगों का खास था, पर मैंने अब ये सर्कल की वीडियो देख ली है, इसलिए मैं सर्कल के सारे क्वेश्चन सबको समझा रहा हूँ, तो मैं सबका खास हूँ और मैं बड़ा ही अब उदास नहीं। चलो इस क्वेश्चन में करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में क्या करें, क्वाड्रिलेटरल है, मान लिया इस सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब है, प्रूव दैट AB+CD। अच्छा पहले मान लेते हैं, ये मान लिया ए बी और सी और डी, इज इट क्लियर। तो AB+CD यानी ये AB और ये CD इक्वल टू AD+BC, AD+BC ये दोनों इक्वल करने हैं हमें प्रूव। और सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC, हमें प्रूव करना है। दोबारा फिर लिख दिया भाई, क्यों लिखा दोबारा, एक बार मैं समझ गया यार, है ना, इनको पता है नहीं है चिंटू मिंकू चिंटी मिंकी चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी सब इंटेलिजेंट बैठे हैं, तो आपको ये प्रूव करना है, बड़ा आसान है, कर देते हैं, कुछ दिक्कत ही नहीं है, अभी कर देंगे, कैसे करेंगे देखो, प्रूव करना है क्या AB+CD इज इक्वल टू BC+DA या AD। ए जी ओ जी सुनो जी मनमो जी, कैसे करेंगे, एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, कि अगर कोई सर्कल है और उसके बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करे, तो उस जो टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। आपको याद आया, कर्ण अर्जुन को तो पिछला जन्म याद आ गया था, तुम्हें तो पिछली थ्योरम याद करनी है, क्लियर। तो ये कंसेप्ट है, इसी पे बेस कंसेप्ट पे करेंगे। देखो अब मैं बात करता हूं, मैं एक ही बात करता हूं, अच्छा इनको लिख देता हूं पी क्या हूं आर एस। देखो अगर मैं एक ही बात करूं, ए बाहरी बिंदु है,
है ना, बाहरी पॉइंट है। अगर ये बाहरी बिंदु है तो इससे जो ये एपी और एएस बराबर होंगी, तो मैं लिख सकता हूं, बिकॉज आप यहां पे डेकोरेशन करोगे, मेरे को लिखने में बड़ा वो होता है यार, मैं समझा सकता हूँ बढ़िया, मेरे से लिखा नहीं जाता, बट लिखना पड़ेगा तुम्हारे लिए, कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल इन लेंथ कि बाहरी बिंदु से कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो लेंथ में इक्वल होती है। सो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि एपी बराबर है एएस के, एपी बराबर है एएस के, ये मान ली मैंने फर्स्ट। ये ध्यान रखना कि आपको इस तरफ वो जोड़ने हैं कि एबी और सीडी बन जाए। दूसरा देखो, बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो इसका मतलब ये बीपी और बी क्यू इक्वल है। अब बीपी और बी क्यू, अब आप बी क्यू को भी इधर लिख सकते हो, बट इधर आपको बीपी लिखना है। आपको एक साइड ध्यान रखनी है लेफ्ट वाली कि ये बनता रहे। अगर आप यहां पे बी क्यू लिख दोगे बाद में जोड़ोगे तो क्या बनेगा, कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब इसका जो पैर है, इसका सिर और पैर इसके आपस में जुड़ेंगे तभी तो बंदा बनेगा, है ना। सिर किसी का जोड़ दिया, टांग किसी की, तो यहां पर क्या होगा, बीपी इज इक्वल टू बी क्या हो, सेम रीजन। अब चलते हैं इसकी तरफ, सी एक्सटर्नल है तो सी क्या हो और सी आर, इधर रखेंगे हम सी आर क्योंकि मुझे सी डी बनाना है, तो सी डी तो सी आर से बनेगा, तो यहां पर सी आर बराबर है सी क्या हो। एक साइड ध्यान रखना, ये रख लो, या तो ये रख लो या रख लो, मैं इधर वाली को रख लो, सी डी बना रहा हूं मैं, और इधर से डी आर और डी एस, डी आर बराबर है डी एस, थर्ड और फोर्थ। देखो मैंने सी आर और डी आर इधर लिखे, मैं यहां पे अगर डी एस लिख देता तो कोई फायदा नहीं होना था। ये छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, चले आगे। अब क्या करेंगे, चारों को जोड़ दो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ को जब जोड़ेंगे तो ये चार इस साइड जुड़ेंगी, ये चार इस साइड जुड़ेंगी, तो जोड़ देते हैं, तो एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस टीआर इज इक्वल टू एस प्लस बी क्या हो प्लस सी क्या हो प्लस प्लस डी आर, नहीं नहीं डी एस, क्या कर रहे हो आप, ये डी एस पढ़ी नहीं है, दिख नहीं रही आपको, बोल ओ सॉरी आप तो बता नहीं सकते। चलो एपी और बीपी, एपी और बीपी का मिलन हुआ तो ए बी बन गया, सी आर और डी आर का मिलन हुआ सी डी बन गया। अब उधर चाहिए बी सी, बी सी किस किस के मिलन से बनेगा, बी क्या हुआ और क्या सी, बी क्या हुआ और सी क्या हुआ, बी सी बन गया। और ए एस और डी एस से, ए एस और डी एस से बन गया ए डी, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, बस ये प्रूव हो चुका है। इसी का सिमिलर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 भी है, उसको आप ट्राई कर सकते हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। मेरे कुछ दोस्त आज के दिन होली खेल रहे हैं, सबको रंग लगा रहे हैं, और हम आपकी लाइफ को रंगीन करने के लिए लगे हुए हैं, और फिर भी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखो एक बज चुका है, होली का दिन है, होली का त्योहार है, सभी खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और हम आपकी लाइफ को रंगीन बनाने के लिए लगे हुए हैं, बट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं सर्कल के, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस की सीरीज लेके आता हूं, बेवजह कुछ नहीं उठा के लाता। तो ये हो गए दो क्वेश्चन, उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया, इससे पहले एक ये वाला कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो ऐसा है, सीबीएसई को प्यार हो गया है इससे,
वो कह रही है मैं डालूंगी तुझे बार बार, ये वो सीबीएसई बोल रही है कि इस क्वेश्चन को मैं डालूंगी बार बार पेपर में। अगला डायलॉग तुम बनाओगे, क्या बनेगा? तो सीबीएसई को प्यार है इस क्वेश्चन से, इज इट क्लियर? तो तुम्हें नहीं करना चाहिए तिरस्कार, दो बार करो इस क्वेश्चन को, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कई बार मेरे अंदर अनु मलिक आ जाता है। चलो अब करते हैं क्वेश्चन। टू कंसेंट्रिक सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, वो कंसेंट्रिक होते हैं। हम सबका मालिक भी एक है, तो हम क्या है, हम ऐसे बंदे हैं जिनका मालिक एक है, हम कंसेंट्रिक ह्यूमन बीइंग है, हम कंसेंट्रिक है सारे, हम ह्यूमन बीइंग कंसेंट्रिक ह्यूमन बीइंग है। अब देखो क्या कह रहा है, आर रेडियस 5 और 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विथ टचेस द स्मॉलर सर्कल। सो क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों की, एक की छोटे वाली की रेडियस 3 है और जो बड़े वाली है उसकी रेडियस 5 है, और ये जो लार्जेस्ट सर्कल की, ये लार्जेस्ट सर्कल की जो कॉर्ड है स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट बनेगी, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। कर लेते हैं, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, ये दो सर्कल है, ये सेंटर है, ये छोटे की रेडियस है, ये 3 रेडियस दे रखी है, ये बड़े की ये और ये ओ पी क्या हो, ये बड़े की 5 और 5 दे रखी है, ये कॉर्ड है, इसको दूसरे स्केच से ले लेता हूं, ये कॉर्ड है, ये जो टच कर रही है छोटे सर्कल को, क्यों टच कर दिया तूने, ये छोटे सर्कल को टच कर रही है, जैसे ही टच करेगी तो ये टेंजेंट का रूप धारण कर लेगी। वाओ, ये तो वो बात होगी जैसे पुराने समय में ऋषि मुनियों का काम होता था, कोई चीज टच कर लेते थे दूसरा रूप हो जाता था, ऐसे ही ये अभी कुछ देर पहले कोड थी, बट जैसे ही इसने टच कर लिया दूसरे सर्कल को ये टेंजेंट बन गई। अब पता नहीं श्राप लगा या वरदान लगा, तो ये टेंजेंट बन गई, ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ओ पी क्या हो, आर ले लेते हैं। अब आपको पता है ये रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मानते हो ना, क्लियर? अब अगर ये 90 डिग्री का है, और एक थ्योरम आपने और पढ़ी होगी कि सेंटर से, अगर मैं सेंटर से, अगर ये 90 का, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर कोण पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कोण को बीच में, कोण को बाइसेक्ट करेगा। कई बार हम बोल देते हैं दोबारा रिपीट मत करना, भाई दोबारा भी कह दिया और रिपीट भी कह दिया, इसका क्या मतलब है, दोबारा रिपीट मत करना, तो बीच में से बाइसेक्ट करेगा, ऐसा नहीं होगा, बाइसेक्ट करेगा, काट देगा बीच में से, हम ऐसा कर सकते हैं। तो यानी ये और ये बराबर होंगे, मानते हो, रीजन लिख सकते हो। अब दो ट्रायंगल बन गई, एक से साइड आ जाएगी, वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम में ये 3 5 ये 4 आ जाएगी, 4 4 8 टोटल लेंथ आ जाएगी, बट फिर भी निकालनी तो पड़ेगी। हम लगाते हैं OPR में लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, येलो मार्क कर लेंगे ट्रायंगल OPR, पाइथागोरस जी को बुलाया और वो कह रहे हैं कि बेस का स्क्वायर प्लस पेंडिकुलर का स्क्वायर, RP का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और RP का स्क्वायर अभी पता नहीं, और 25 में से, ओ ये प्लस है भाई, 25 में से 9 गए 16, तो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस 4 RP की वैल्यू। तो RP की वैल्यू प्लस माइनस 4 आई। तो कभी आपने सुना है कि मम्मा आज मैंने -4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करा, कभी आपने सुना ऐसा कि मम्मा आज मैं -4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करके आया, कभी ऐसा होता है? तो रेडियस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, रेडियस पॉजिटिव होगी तभी तो सर्कल ड्रॉ होगा। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम, चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी, समझना ध्यान से। तो RP लेंगे प्लस का 4, तो यानी अच्छा RP कोण, ये RP इसकी लेंथ आ जाएगी 4, तो ये भी हम कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते, कोण कुछ तो वैल्यू देगी, है ना? तो RP ये आया 4, अगर ये 4 है तो ये दोनों बराबर है, ये भी 4 हो गया,
तो देयर फॉर पी क्या हो इज इक्वल टू क्या हो आर पी चार प्लस चार इज इक्वल टू आठ, आंसर आ गया। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरा तो मत ही लीजिएगा बिकॉज क्वेश्चन इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। आगे चलते हैं, सचिन जी नाराज हो रहे हैं पता नहीं क्यों। आगे चलते हैं भाई, चुप चुप के अपनी पीपीटी बना रहे हैं। आगे चलते हैं भाई साहब, क्वेश्चन है ये, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसमें भी आप एग्जांपल है, आप एग्जांपल में देखोगे तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट अब कंफ्यूज नहीं होंगे, अब आप अच्छे से समझो और इसको आप अच्छे से करके आओगे। सिर्फ चार ही क्वेश्चन लिए हैं, छोटी वीडियो लेख ले रहा हूं अभी, बाद में बड़ी बड़ी भी बनाऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो देखो, P क्या हो इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और P क्या हो एक कॉर्ड है, इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट P एंड क्या हो इंटरसेक्ट ईच अदर एट T, फाइंड द लेंथ ऑफ T, यानी लेंथ ऑफ TP, यानी ये निकालना है, टीपी पूछ ले या टी क्या पूछ ले, दोनों एक ही बात है, ये निकाल रहे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रेश माइंड से बैठेंगे, कॉपी खोलेंगे, पेन भी खोल सकते हैं वैसे तो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये टी पॉइंट है, ये टेंजेंट, ये सेंटर है, ये रेडियस है, तो इस लाइन को कंस्ट्रक्ट कर देंगे, इसको मिला देंगे, मिला दिए। अब कुछ कुछ बातें ध्यान से समझना, मैं डिटेल में समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, बिल्कुल मतलब आपको बिल्कुल रोम रोम में बस जाना चाहिए ये क्वेश्चन, जैसे रोम रोम में प्रभु तेरा नाम, वैसे रोम रोम में एग्जांपल बस बस जाना चाहिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अब डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको पी ओ पी क्या हो सब दिया हुआ है, इसको मैं आर मान लेता हूं, तो मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, कौन कौन सी, पी टी आर और क्या टी आर, मैं दोनों को कंग्रेंट प्रूव कर देता हूं। देखो कंग्रेंट कैसे प्रूव करेंगे, टीपी और टी क्या बराबर है, साइड आ गई। अच्छा उसके बाद क्या हुआ और क्या हुआ कॉमन है, साइड आ गई, मानते हो। ये बराबर क्यों है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, रीजन लिख सकते हो, और ये एंगल और ये एंगल बराबर है, एंगल पी और एंगल क्या हो इसको वन मान लो, इसको टू मान लो, एंगल वन और एंगल टू बराबर है, क्यों, क्योंकि क्योंकि टीपी और टी क्या बराबर है, तो अपोजिट साइड के अपोजिट इक्वल अपोजिट साइड के इक्वल एंगल इक्वल होते हैं, या आप इसको लिख सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस तरह से लिख सकते हो। रीजन डिटेल में सारा कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ये सब देख लेना, ये लिख सकते हो आप, ये होगी बातें। क्योंकि आइसोसेलेस क्यों है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो दो साइड बराबर तो आइसोसेलेस होती है। अब यहां से मुझे मिलेगा क्या, यहां से मुझे ये मिल जाएगा भाई, सो देयर फॉर ट्रायंगल पीटीआर एंड क्या होगी कंग्रेंट होगी, कंग्रेंट को मैं लिखना भूल गया, काफी टाइम हो गया, एक सांप लगाते हैं नीचे दो इक्वल लगाते हैं। तो अगर ये कंग्रेंट है तो इससे क्या मिलेगा, इससे ये मिल जाएगा भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल थ्री और एंगल फोर मान लिया, तो एंगल थ्री फोर भी इक्वल हो जाएंगे, छोड़ो इसको, तो अगर ये कंग्रेंट है मैं लिख सकता हूं कि पी आर बराबर है आर क्या हो बाय सीपीसीटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल लिख सकते हैं। अच्छा और क्या मिलेगा मुझे यहां से, अगर ये, हाँ ये हो चुका है। अब एक बात ध्यान से समझना, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में
वर्टेक्स से सामने से कोई लाइन खींचे और वो लाइन उस दूसरी लाइन को बाइसेक्ट कर दे तो मतलब वो परपेंडिकुलर है, बड़ी छोटी सी बात है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ इट बाइसेक्ट द अपोजिट साइड देन इट वुड बी परपेंडिकुलर, इट वुड बी perpendicular to the opposite side, तो वो सामने वाली साइड के perpendicular होगी, sorry भाई, यानी अगर मान लो यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए, ये इसको बाइसेक्ट करिए, बाइसेक्ट हमने प्रूव कर दिया कि पी आर और आर के बराबर है, तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, 90 का होगा। बस यहां से हमारी शुरुआत होती है, जैसे वो शुरुआत होती है ना, एक कहानी सुनाते हैं। अब लगभग क्वेश्चन हमारा बिल्कुल डिटेल में होने वाला है, इसको आप फटाफट से लिख सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को, अब ये सारी चीजें रब कर देता हूं, अब मैं आपको यही समझाऊंगा ये क्वेश्चन। ये आर माना था, ये 5 हो गई थी, ये 8 थी, अब ये 90 आ गया था, और ये दोनों इक्वल आ गए थे, तो ये 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये बात होगी। अब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब हम देखो यहां पर पाइथागोरस लगाएंगे किसमें, पी आर क्यू में, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे, आप क्या करोगे, देखो ये 90 का ये वाला, तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज होगा, 5 का स्क्वायर 25 में से 4 का स्क्वायर 16 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये मेरे पास 9 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगी। ये निकाल सकते हो, इसको तो निकाल लोगे। अब मुझे निकालने ये, इसको मैं मान लेता हूं x, और दूसरी एक और राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास पी आर टी, इस चीज को मैं मान लेता हूं y, y मान लेता हूं। अब देखो मैं क्या करूंगा, एक तो मैं लेता हूं ट्रायंगल पी आर टी ले लेता हूं, ट्रायंगल पी आर टी में देखो ये 90 है, तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इजिकल टू एक्स का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर के लिख सकता हूं 16 प्लस वाई का स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, यहां पर एक लाइन लगा लेते हैं, क्लियर। उसके बाद देखो, उसके बाद मैं लेता हूं कौन सी वाली, ये वाली ले लेता हूं, ये रेडियस और टेंजेंट पर पेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90, अगर ये 90 है तो ये सामने वाला पूरा ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो मैं ले रहा हूं पी ओ टी, तो इसमें देखो डियर स्टूडेंट्स ये हाइपोटेन्यूज है, यहां तक वाई है और ये 3 है, तो वाई प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है, ये एक्स है, ये 90 है, ये सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इस दोनों में से देखो इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कैसे करेंगे, अगर इस 5 के स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा 5 प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर 25। अच्छा, इसको ऐसे ही कर लेते हैं,
पांच का स्केयर ही लिख देते हैं इसको, साफ साफ लिख यार क्या कर रहे हैं यार, साफ साफ लिख रहे पांच का स्केयर, थोड़ा कुछ लॉजिक बनाते हैं एक्स स्केयर, इसको मान लेते हैं सेकंड। यहाँ पर एक्स स्केयर की वैल्यू ये है, यहाँ पर ये है, यानी दोनों को इक्वल रख सकते हैं, तो दोनों को इक्वल रखेंगे, यहाँ पर एक्स स्केयर 16 और उधर y प्लस 3 का स्केयर, ये हो गया, इज इट क्लियर? और कुछ शॉर्टकट बन सकता है इसका? और तो नहीं बनेगा इसका शॉर्टकट, और तो शॉर्टकट अगर मैं खोलूं तो a स्केयर माइनस b स्केयर लगाऊं तो कुछ नहीं लगेगा, a प्लस b का स्केयर ओपन करना पड़ेगा, ये हो जाएगा y का स्केयर प्लस 3 का स्केयर 9 प्लस 2ab 6y माइनस 25, यही करना पड़ेगा और कुछ नहीं बन रहा, 16 प्लस y स्केयर, तो y स्केयर से y स्केयर कट गया, और हम क्या कर सकते हैं भाई, और कुछ नहीं कर सकते। अब देखो 25 में से 9 चले गए तो 16 हो गया, माइनस का 16 बचेगा, यहां पे मैं यहां लिख देता हूं, इधर तो 16 बचा, उधर क्या बचा 6y और माइनस का 16 बचा, तो माइनस 16 उधर जाके प्लस 16 प्लस 60 32 हो गया, तो 6y आ गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 32 को 6 से डिवाइड करेंगे 16/3 आ जाएगी, तो y आ गया 16/3। अब आपको y मिल गया तो सर्कल में बहुत थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, मुश्किल तो नहीं कह सकते, मुश्किल तो कुछ नहीं होता, बस थोड़ी प्रैक्टिस से ही होती है। अब देखो y आ गया 16/3, अब आप x कहीं से भी निकाल लो, यहां पर फर्स्ट में y को पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं आपके लिए निकाल देता हूं, आप कहोगे मैंने निकाला नहीं, तो देखो यहां पे था 16 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, मुझे x निकालना है, 16 प्लस y आया मेरा 16/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो 16 प्लस 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसको और आसान बना सकते हैं कुछ, अब तो कुछ नहीं कर सकते, बस एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे ये 144 हो जाएगा प्लस ये 256 हो जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको अगर आप ऐड करोगे तो बड़ा आसान बन गया, ये 400 बन गया और ये 9 बन गया, अब आप स्क्वायर को उधर ले जाओगे स्क्वायर रूट हो जाएगा, 400 का 20 आ जाएगा, 9 का 3 आ जाएगा, प्लस माइनस आता है जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट पे जाते हैं, वैल्यू निकालते हैं, प्लस माइनस आती है, प्लस माइनस क्यों आती है वो अगर आपको जानना है तो कमेंट करना, वो बना दूंगा। बट अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स मेरी बात सुनो, ये टेंजेंट एक्स की वैल्यू 20/3 पॉजिटिव लेंगे, कभी ऐसा सर्कल तो नहीं देखा ना भी जिसकी टेंजेंट क्या हो नेगेटिव हो, जिसकी नेगेटिव लेंथ हो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये मैंने टॉप 5 4 5 क्वेश्चन करवाए हैं सर्कल के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है, जब बच्चे कंफ्यूज होते हैं फिर भी कोई सर्कल का ऐसा कंसेप्ट है जो आपको लगता है कि हमसे नहीं हो रहा।